भोगान्स्तविष्ठान् पश्चाच्चन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषास्येन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरवीक्षणैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हृत्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण आत्मसौ न स्तुरीया। अथर्ववेदीय मांडुक को उपनिषद, अथर्ववेदीय मांडुक को उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी जो सातवां मंत्र के ऊपर कारिकाकार के रूप में विशेष विचार वो चल रहा है। यहाँ भी तो उसने जागृत स्वप्न सुषुप्ति को तीन कोटि में बांटा, तीन को दो कोटि में बांटा। एक हो गया आपका कार्यकारण वाला, कार्यकारण था मतलब अग्रण और अंतःकरण दोनों है उसमें जागृत और स्वप्न, परंतु सुषुप्ति अवस्था में केवल मात्र अग्रण है और पूरी अवस्था में ना अग्रण है ना अंतःकरण। तो ये अग्रहण को हम यहाँ पे निद्रा शब्द के द्वारा बोलते हैं और अन्यथा ग्रहण को स्वप्न बोलते हैं। मिथ्या बोलने के लिए स्वप्न शब्द प्रयोग करते हैं क्योंकि अन्यथा ग्रहण हो रहा है। तो ये अन्यथा ग्रहणत स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानत विपर्यासे तयोर छीने, इन दोनों का है ना ये जो विपरीत ग्रहण हो रहा है ये क्षय होने पर तूर्य पद, तूर्य पद को हम समझ में आते हैं। शुद्ध अवस्था क्या है वो समझ में आता है। ये कब होता है तुल्य पद की बोध कब होता है तो उसके लिए बोला अनादि माया सुप्त, एक साथ इसको तो इसको विचार चल रहा है। अनादि माया सुप्त जरा जीव प्रबुद्धते अजमानित्रमस्वनमद्वैतम्बुद्धते तदा। देखते हैं ये जो अनादि माया में सोया हुआ जीव, माया को अनादि कहा गया क्योंकि इसका कारण समय कुछ भी निरूपण नहीं किया जा सकता, स्वरूप कुछ भी निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए अनादि शब्द प्रयोग किया। अनादि माया में सोया हुआ जीव, जीव सुप्त जीव जदा प्रबुद्धति जिसमें उठ सकता है। ये माया निद्रा से जागना क्या है, ये जो है अन्यथा ग्रहण अभ्रमण अजम अनित्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जन्म मृत्यु से रहित मेरा पारमार्थिक स्थिति है, यहाँ पे ना अग्रण है ना अन्यथा ग्रहण है, ये उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, ये इनको समझ में आ जाता है। तो हम इसके ऊपर भाष्यकाल पढ़ लिए थे, टीका पूरा छूटा हुआ था है ना, 16 नंबर की टीका को देखेंगे हम लोग। ये जो यहाँ पे बोलते हैं प्रबुद्ध मानम तत्तम एवं पेज 60 में प्रबुद्ध मानम तत्तम एवं विष्णष्टि, क्या चीज उसको समझ में आता है मतलब जो चीज समझ रहा है क्या समझते हैं, मैं जन्म से रहित हूँ, अज्ञान और अज्ञान के साथ तीनों काल में मेरा संबंध कभी है नहीं, ये उनको समझ में आती है। प्रबुद्ध मानव तत्व विशेष स्थिति अजम अनित्रम अस्वप्न अद्वैतम, पर क्या होता है भेद रहित पूर्ण स्थिति है। जीव शब्द वाच्यार्थम निर्दिशत, जीव शब्द का जो वाच्यार्थ जो सामने दिखाई पड़ती है वो अयोध्य जो होता है जो अयोध्य संसारी जीव है, एक संसरण करने वाला जीव है मतलब जन्म संसरण करने वाला था, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने वाला, जब तक ये जन्म जन्म से कर्म कर्म से कर्म का फल फल निकले फिर शरीर शरीर इस चक्र में घूमता ही जाता, चक्र में घूमता ही जाता। इसलिए बोलता है जीव शब्द वाच्यार्थ निर्दिष्ट, वाच्यार्थ क्या जो एवं संसारी जीव है, संसारी जीव परमात्मा एवं जीव भाव आपन्न संसार इति अर्थ, हमारे पास एक ही तत्व है शुद्ध आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही उपाधि के साथ एक होकर के प्रतिदिन एक होकर के वही के चक्र में घूमते रहते हैं। जैसा इसलिए बोलते हैं परमात्मा एवं जीव भाव आपन्न, जीव भाव मतलब उपाधि के साथ एक होकर के संसरति मतलब संसरति जैसा ऐसा लगता है। तस्य कथम जीव भाव आपत्ति, उनको जीव भाव कैसे प्राप्त हो गया, परमात्मा तो शुद्ध जीव भाव कैसे होगा, कैसे हो सकता तो असंग तत्व है। कथम तस्य जीव भाव आपत्ति इति आशंक कार्य करण बद्धत्व, वो क्या है कारण हो गया आपका अग्रण है कार्य हो गया अन्यथा, इन दोनों के द्वारा बंधा हुआ होने के कारण, इन दोनों के द्वारा बंधा हुआ होने के कारण मत कैसे गया, बस मनी मान और कौन मानता, मनी मानता है मनी चुराता है ना, इसीलिए बोलते हैं कार्य कारण बद्धत्व इति आह।
उसी को मन में रखो। स अभाषण स उभय लक्षण, वो दोनों लक्षण दो लक्षण का तरह लक्षित होता है। क्या है? एक अभ्रण अन्नता ग्रहण, मतलब निद्रा और स्वप्न, जिसको बोलता है बीज और फल, इसके साथ जुड़ा हुआ। अपने को जोड़ लिया, वास्तविक जुड़ा हुआ नहीं है, अपने को मन से जोड़ लिया और फिर बीज फल भोगता रहता। इसलिए हम लोग कि कार्य कर्णबद्धता दस परमात्मा उभय लक्षण स्वापेन सुप्त जीव भवति। मतलब उत्तर क्या होगा? ये परमात्मा ही उभय लक्षण स्वापेन, दोनों प्रकार के, एक हो गया अभ्रण अन्नता, सोया अन्नभ, ये दोनों प्रकार की निद्रा के द्वारा सुप्त मतलब सो करके जीव भाव को प्राप्त कर जाता है। जीव भवति इति अन्न, मतलब ठीक से नहीं समझना, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या। कहाँ पे क्या वस्तु है उसको ठीक से समझ जाए तो जीवन की आधा से अधिक समस्या का समाधान हो जाए। नहीं समझने के कारण ही हमें अधिक से अधिक समस्या दिखाई पड़ते हैं, फिर और उसमें उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं। ये जो ममत्व बुद्धि सबसे बड़ा हमारे लिए संसारित्व के हेतु में है। ममत्व बुद्धि सापस्व उभय लक्षणात्म एवं प्रकार, दो प्रकार की जो निद्रा बोल रहे हैं उसको यहाँ पे स्पष्ट करके कहते हैं। दो प्रकार निद्रा है, सापस्व उभय लक्षणात्म, मतलब अज्ञान और अज्ञान के कारण, मतलब सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, ऐसा सोया स्वप्न देखा और गहरी निद्रा में गया, है ना। इसलिए आप बोलते हैं सापस्व उभय लक्षणात्म। उभय लक्षण क्या हो गया? एक हो गया तत्व अप्रतिबोध और एक हो गया अन्यथा ग्रंथि। इसलिए हमें बोलते हैं तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना, तत्व का जो बोध नहीं है, है ना, हो गया बीज, और अन्यथा ग्रहण लक्षण अन्यथा ग्रहण हो गया उसका कार्य, उसका फल। इन दोनों के द्वारा अनादिकाल प्रवृत्ति न, मतलब ये कब से चला, चल पड़ा, कैसे हुआ, इसका पता नहीं लगता जीव का अज्ञान। यदि पता लग जाए तब तो समस्या का समाधान हो जाए। इसी को हम माया बोलते हैं, माया लक्षण है ना, स्वप्न है ना, इन दोनों के द्वारा बनते हैं इसी के कारण। अब देखिए भाष्यकार बोलता है माया लक्षण है ना इति उभयत्र संबंधते, माया लक्षण किस इन दोनों के साथ, तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना, तृतीय है ये, तृतीय इसके साथ अन्य कहा हो गया माया लक्षण है, और फिर अन्यथा ग्रहण लक्षण है ना, वो भी माया लक्षण, माया के द्वारा लक्षित अन्यथा ग्रहण, ये दोनों के साथ अन्याय होगा। माया लक्षण है ना इति उभयत्र संबंध, दोनों के साथ इसका अन्याय होगा। दोनों जगह आपका तृतीय एकवचन प्रयोग किया, माया के साथ इसका अन्याय करेंगे। अब ये सोना क्या वस्तु है? हम तो जानते हैं हम जगे हुए हैं, फिर शास्त्र को बोलते हैं तू सो रहा है, ये जग करके सोना क्या वस्तु है वो यहाँ पे कहना चाहिए। हमारी दृष्टि से जगह, शास्त्र दृष्टि से सोना, ये क्या वस्तु है वो कहते हैं वस्तु। इसे बोलता है सुप्तम एवं गणक्ति, ये सोना क्या वस्तु हुआ इसी को व्याख्या करते हैं भगवान दास जी। मम अयम पिता पुत्र अयम नवता क्षेत्र पशवो हमेशा स्वामी, यही हमारा निद्रा है, यही हमारी निद्रा। क्या कि मम अयम पिता, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नाती है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ सर, ये मैं हूँ, और ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन दौलत है, बस यही जो है सबसे बड़ी निद्रा। निद्रा में स्वप्न देखता है, यही सुनता है पिता पुत्र अयम नवता क्षेत्र पशव हमेशा स्वामी। फिर क्या हो गया? कोई मर गया तो मैं सुखी, कोई घर गया तो मैं दुखी, यही हो गया हमारा मतलब निद्रा। जो सुखी दुखी क्षय, तो मर गया तो हमने वृद्धि हो गया, और घट गया तो क्षय प्राप्त हो गया, मैं तो मरा, हाय मैं मरा, क्यों बुद्धि का घर का बीमार हो तो हाय मैं मरा। ये ममत्व बुद्धि काम करता, आसक्ति काम करता, क्षय न अहम अनेक वर्धित अस्तिष्कता, हमें बढ़ता है विजवा चाहे कुछ भी रहता है। इति एवं प्रकारान स्वप्नान स्थान द्वय, है ना, ये इस प्रकार के स्वप्न को दोनों स्थान में देखते हुए मर्श है शुद्ध हो गया सोना। तो इसी को देखिए टीकाकार बोल रहे हैं फिर साप परिगृहित एवं प्रतिबोधन अवकाश, सोया हुआ व्यक्ति का ही जगने का संभावना है, जगा हुआ व्यक्ति को जगने का संभावना नहीं है। तो जगा हुआ व्यक्ति मतलब ज्ञानी के लिए फिर इसका आवश्यकता नहीं है, जो इस प्रकार मोहन तो मैं और मेरा इस भाव से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को जगाना है वेदांत। और जो इसलिए बोलते हैं कि साप परिगृहित मतलब निद्रा के द्वारा ग्रहण कर लिया गया जिसको, उसका ही प्रतिबोधन अवकाश, उसका ही जगने का मौका है भगवती इति आह। इसी को मन में रखते हुए फिर क्या बोला, यदा, है ना, थर्ड लाइन में वेदांत अर्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा, ठीक है ना, तृतीय एक बने तीन दिखा रहे हैं। एक फर्स्ट क्या बोला, वेद की अंतभाग में जिस विषय को कहा गया है उसकी तत्व की अभिज्ञता है जिसको, इस प्रकार की व्यक्ति के द्वारा। वेद की अंत, सारा वेद नहीं बोला है, वेदांत मतलब वेद की अंतभाग में,
वेदांत तो अंश शब्द का तीन अर्थ होता है। अंत मतलब अंदर, अंदर अंत मतलब अंत और अंत मतलब सार, जिस्ट क्रिम। अंत शब्द का तीन अर्थ में प्रयोग होता है, अंत मतलब अंदर, अंत मतलब एंड एंड अर्थ मतलब जिस्ट अंदर क्रिम। तो तीनों अर्थ में वेदांत वेद के अंदर भी है और वेद के अंत भाग में है और संपूर्ण वेद का तात्पर्य ज्ञान में ही है, इसलिए इसको वेदांत तो बोलते हैं। ठीक है? नहीं, वेदांत के अभिप्राय क्या है? वेदांत तो नाम उपनिषद प्रमाण, मतलब वेद की, वेद के अंतर्पाती है और वेद के अंत भाग में है और वेद के अभिप्राय तात्पर्य इसमें है ज्ञान में, इसलिए वेदांत अर्थ संपूर्ण में वेद के अंत भाग में जिस विषय को कहा गया उस विषय की तत्व का, उस विषय में तत्व छुपा हुआ तत्व अभिज्ञान, तत्व अभिज्ञ पहले हो गया तत्व अभिज्ञ और तेल उसके द्वारा है ना, ये हो गया। कल भी बताया था, देखिए हमारे जो है तत्व उपदीक्षांति ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन नहीं पढ़ रहे थे कल हम लोग, भगवद गीता में उपदीक्षांति ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन, ये तत्व दर्शन करते करते मैं मुद्रण शुद्ध में ही कथा बोलते हैं कि पद वाक्य प्रमाणत प्रमाणज्ञ आचार्य, पद वाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य ऐसा करिए। जो इस प्रकार हो जाते हैं ना, उस जीव को दुख को देख कर बोला बिना कारण बेचारा रो रहा है, नहीं समझ पाने के कारण रो रहा है। जो छोटा बच्चा को माँ बाप समझते हैं कि अरे ये नहीं है, नहीं मेरे को ही चाहिए, रो रहा है। तो इस प्रकार से परम का परम कारुणिक भी होते हैं, इस प्रकार से गुरु ना जो हमारे अंधकार को मिटाते हैं, तो गुरु बोलते हैं जो हमारे अज्ञान को अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इस प्रकार गुरु के द्वारा। तो देखिए वहाँ पे, यहाँ पे हमारे टीकाकार लिख रहे हैं जदा सुप्त तदा बुद्धते इति शेष, मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति जो है वही जगता है ना, जो है शेष आगे तथा देखो लास्ट में तथा एवं प्रतिबुद्धते, वो व्यक्ति इस प्रकार से जान जाता है ऐसा अर्थ में। प्रतिबोधकम विषिनष्टि, जगाने वाला वो किस गुण वाला होना चाहिए, उसके विशेष जगाने वाला के अंदर क्या गुण होना चाहिए। तद विज्ञार्थम स गुरुमेव अभिगच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, ये बोलो वहाँ पे हर जगह दोनों दोनों तरफ को दिखाएंगे। तो यहाँ पे प्रतिबोधकम मतलब जगाने वाला, प्रतिबोध कराने वाला व्यक्ति के बीच में क्या विशेषता होना चाहिए, ये वेदांत अर्थ तत्व अभिज्ञेन परण का परम कारुण्येन गुणा ये भी होना चाहिए। अब फिर क्या बोलते हैं, जगाते कैसे हैं, वो धक्का मार के जगाते हैं अथवा पानी डाल के जगाते हैं। ठाकुर राम कृष्णदेव के साथ रहना इतना आसान नहीं था, वो भी बहुत कठोर थे, वो जो शारदा माता और जो माता वृद्धा माता रहते थे उनके साथ जमीन में लेते थे मंदिर के कोने में। यदि कभी किसी भी भुखे में देर हो गया पानी डाल देते थे अंदर से, ये परम करुणा है, ये परम करुणा है। जब राशमणि मतलब उस समय पूरा फॉर्म में मंदिर में आया, ध्यान करते समय विषय चिंतन कर रहे बैठ करके, जाके मारा झापर ठाकुर जी देखते लगना था एकदम सीधा सदा व्यक्ति, परंतु साधन दृष्टि में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे अपनी पत्नी हो चाहे अपने जिसने दिया वहाँ पर नौकर, जिसका नौकर था मालिक को मार दिया था, राशमणि का नौकर थे वो, पूजा करते थे वहाँ, वो भी समझ गए, सीधा बोलते हैं कि बैठ कर विषय चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए धन कहते हैं, कुछ नहीं बोल पाए। ये परम करुणा है, परम कारण के ना हमको लगता है कितना कठोर है, परम जी ये परम करुणा है, ये परम करुणा है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिबोध का विषिनष्टि, कथम प्रतिबोधन, अब जगाते कैसे हैं, हमको जगाते कैसे, हमारे प्रति उनकी क्या इसलिए जगाने का प्रक्रिया, कि अपनी जिसलिए इस मार्ग में मनुष्य शरीर मिला है उसके प्रति तुम्हारा सचेतनता आना चाहिए, इसीलिए भगवान शरीर दिया, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कब शरीर पूरा हो जाए कोई निश्चय नहीं है, तो जितना हो सके अभी से उसका पूरा जोर लगाए। ये इस प्रकार से एक गुरु कैसे जगाते हैं उसको ही बोलते हैं, तत्म प्रतिबोधनम तथा उसके लिए बोलता नाशी एवं तम हेतु फलात्मक, तुम ऐसा नहीं हो जैसा तुम अपने को सोचते हो, तुम ऐसा नहीं हो जैसा तुम अपने को सोचते हो, क्या मैं उनका बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरा गुरु, ये मेरा चेहरा, ये सब तुम नहीं हो,
ये तुम नहीं हो, यही बार बार समझा ये तुम नहीं हो। इसे तत्वमसी 9 बार बोला, 9 बार एक बार नहीं, ये बार बार बोलना तुम हो, तुम वही परम तत्व हो, तुम ही सूक्ष्म तत्व हो, तुम व्यापक हो, तुम असंग हो, तुम पूर्ण हो, एक यही उसका जगाने की तरीका है, यही उनका जगाने की तरीका है। नाशी एवं, एवं से क्या करे, और ऊपर जितना बोला गया ये मेरा पिता, ये मेरा भ्राता, ये मेरा माता, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरी पत्नी, ये सब तुम नहीं हो, कुछ मेरापन मैपन इसमें नहीं है। मतलब एवं तम, तुम जो है हेतु फलात्मक, मतलब इस कारण से ये हुआ, इससे ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, परंतु तुमने सारा संबंध जोड़ रखा, ये चीज से समझा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आप बोलते हैं तथम प्रतिबोधनम तब अहम नाशी अनुभूय मानतम एवं इति उच्यते। वहाँ पे जो एवं नाशी एवं है ना, ये एवं पक्ष क्या कर्म है, ये जो तुम अपने को अनुभव कर रहे हो, तुम्हें पिता माता भ्राता सक ये सब अपने को आरोप कर रखा, ये तुम नहीं हो। अनुभूय मानव जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है, तुम ऐसा वस्तु भी, ये तुम नहीं, ये बोलना चाहिए। अनुभूय मानत्व एवं इति उच्यते, उसके एवं पद के द्वारा कहा गया। कहाँ एवं, एवं कहाँ है, नासी एवं, हाँ भाष्य वहाँ पे। अच्छा, यदा उक्त विशेषण गुरुना प्रतिबद्ध मान शिष्य तदा अशु एवं बक्षमान प्रकारेण प्रतिबुद्धो भवति। जिस समय यदा उक्त विशेषण गुरुना, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, है ना, इस प्रकार विशेषण के द्वारा गुणसंपन्न गुरु के द्वारा, इस प्रकार उक्त विशेषण विशेषण गुरु, उक्त विशेषण के द्वारा विशेष जो गुरु, उस गुरु के द्वारा प्रतिबद्ध मान, उस जब उसको जगाया जाता है, जिस प्रकार अजात शत्रु के द्वारा इसको बालाकी को जगाया जा रहा था, ले गया सुप्त पुरुष के पास उसको बोध कराने के लिए, प्रतिबद्ध मान शिष्य, जिस समय शिष्य को जगाया जा रहा है तथा उस समय अशो मतलब शिष्य एवं बक्षमान प्रकार, जो आगे बोला जा रहा है उस प्रकार से आपने को समझ कर ले, पहला भाव मिल जाता है उसका और अपने अपने अंदर ये भाव जागृत होता है ना। एवं बक्षमान प्रकार, मैं बोला था वहाँ पे देखो शिष्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया, समित पानी तद विज्ञान से गुरु में अभिगछित श्रोत्र, समित पानी श्रोत्रिय, समित पानी सारा शिष्य की योग्यता बता दिया वहाँ। समित मतलब योग्यों के लिए अनुकूल कष्ट, आप किसके लिए जा रहे हैं, ज्ञान यज्ञ के लिए जा रहे हैं, तो ज्ञान यज्ञ के लिए अनुकूल कष्ट क्या होगा आपका, विवेक सक्षम, ये हाथ में लेकर के जा रहा है, ये हाथ में लेकर के तब जाकर सुनते ही वो बोल होता है। अशु एवं बक्षमान प्रकार उस ये साधक एवं बक्षमान जो आगे बोला जा रहा है, मतलब अजमनित्र इस प्रकार से प्रतिबुद्ध मतलब जगता है, वही इसका जागरण होता है, प्रतिबुद्ध भवती यहाँ पे कहा गया। अच्छा, यही हम बोलते हैं नाशी एवं तम हेतु फलात्मक, तुम एक प्रकार से कारण वाला नहीं हो, किंतु तत्वमसी तुम ही उसे व्यापक शुद्ध चेतन तत्व यदि प्रतिबद्ध मान, इस प्रकार जिसको जगाया जा रहा है वो जदा जिस समय से जगाते हैं तदा एवं प्रतिबुद्ध थे, उस भाव से वो जगता है, वो इस भाव से जगता है, किस भाव से जगता है, एवं प्रतिबुद्ध तो आगे से गिर रहे अजमानित, ऐसा करके अपने को समझ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे बोलते हैं यदि तम एवं प्रकार उस प्रकार को, इस प्रकार जिन प्रकार को जागता है उस प्रकार को यहाँ पे मंडूक आएगा, तम एवं प्रकार उस प्रकार को किस प्रकार से जागता है, प्रश्न पूर्वकम द्वितीयार्थ व्याख्यान विषय देती, प्रश्न उठाए तो कैसे जागरण होता है, ये जैसे खाट से गिरता है, चारपाई से गिरता है तब जागता है, अथवा किसी ने पानी डाल दिया तब जागता है, फिर अपने में क्या बोध होता है वहाँ पे जगने से, इसके यहाँ पे कहना चाहते हैं तम एवं प्रकार को जागरण के प्रकार को, मतलब शिष्य के अंदर जागृति के प्रकार कैसे होता है, प्रश्न पूर्वक हम पहले बोलेगा कथम कैसे, और फिर उसका द्वितीय अर्थ मतलब श्लोक का द्वितीय अर्थ अजम अनिद्रम स्वप्नम द्वैतम बुद्ध के द्वारा द्वितीय अर्थ व्याख्यान है, उसकी व्याख्यान के द्वारा उसको विस्तार से कहते हैं, विस्तार से ठीक है, द्वितीय अर्थ व्याख्यान विषय दे, तब देखिए भाष्य में कथम है ना कैसे जागरण होता है, प्रश्न चिन्ह वहाँ अलग होना चाहिए, प्रश्न तो अलग करके फिर पर प्रथम अलग है, मतलब कैसे जगाते हैं उसको, तो जगने से क्या उसका अनुभव होता है, तो बोलते हैं ना अस्मिन बाह्यम अभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारो अस्ति, ठीक है ना, वहाँ पे कॉमन करते हैं कैसे जगते हैं, अस्मिन आत्मनि, अस्मिन आत्मनि इस आत्मा में बाह्यम अभ्यंतरम मतलब बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर के कारण, मतलब अन्न था कि अग्रहण बीज और फल ये भाव आत्मा में, अस्मिन आत्मनि ये होता है, अस्मिन ब्राह्य अभ्यंतर भावम वा
जन्मादि भाव विकार जो है ना, जो जन्मादि भाव विकार है ना, चाहे थे अस्थि वर्धते विपिन चाहे भाव विकार, यहाँ पे नौ अस्थि नौ यहाँ से आ रहा है, पहले नौ, पहले है नौ और अस्थि जा पहला से। जब यहाँ पे जन्मादि भाव विकार नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतो अजब जन्म नहीं है, भाव विकार नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ। जन्म होता तब उसके साथ जुड़ता है अलग अलग दुख, अलग अलग जुड़ता है, मतलब जन्म ही नहीं है तो दुख कहाँ से आएगा, जाए तो अस्थि वर्धत कहाँ से आएगा। इसलिए हमें बोलते हैं न अस्मिन् बाह्यम् आभ्यन्तरम् वा जन्मादि भाव विकारो अस्ति अत अजम्। ये जो अजम यहाँ पे कहा भगवान भाष्यकार, बाह्य अर्थ नहीं है इस विषय, केवल ये श्रुति नहीं है, क्योंकि ये जो मानवीय को कारिका जो ये श्रुति नहीं है, ये पौरुषीय ग्रंथ स्मृति है। स्मृति को पुष्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, कोई श्रुति चाहिए, ध्यान देना। इसलिए भगवान गीता के श्लोक को भी पुष्ट करने के लिए श्लोक इस श्रुति के आधार पर यहाँ पे ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ भी मांडव कार्य करके इस श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न स्वाह्य अभ्यंतरो ही अजह, ठीक है ना। इसलिए हमें बोलते हैं अस्थि अतो अजो स्वाह्य अभ्यंतरो ही अजह इति श्रुति है ना, वो बाहर अंदर में को मैं इसको भी लिखना भूल गया। तो ये हमको दिव्य ही अमूर्त पुरुष स्वाह्य अभ्यंतर अप्राणी अमानसु अक्षरा पर मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। दिव्यो हि अमूर्त पुरुष स्वाह्य अभ्यंतरो हि अज अप्राण हि अमना शुभ्र हि अक्षरात् परतः पर। ये आत्मा संबंधित बोल यहाँ पे जो है वो तत्व, वो आत्मा जो बाह्य अभ्यंतर रूप में दिखाई देने पर भी वास्तविक को जन्म रहित है, उसमें बाह्य अभ्यंतर नहीं है। इसी श्रुति मुंडक उपनिषद है, इस प्रकार की श्रुति होने के कारण, मतलब जो यहाँ पे मांडव को कारिका कह रहे हैं ये श्रुति के आधार पर बोल रही है, ठीक है ना, क्योंकि स्मृति है, मांडव को कारिका स्मृति है, पुरुष प्रणीत है ये, और स्मृति मतलब श्रुति को ध्यान रख के लिखा गया है। फिर भी भगवान भास्कर जी भगवद गीता के ऊपर भास्कर जी इसको बोले क्योंकि ये हमारे वेदांतिक सिद्धांत को पुष्ट करते हैं, पक्का करते हैं इसलिए। अब देखिए आप टीका में क्या बोलते हैं, अस्मिन् इति सत्यम्य बोधात्म रूपम परामिशते। अस्मिन् कहाँ है, कथम न अस्मिन्, हाँ ये अस्मिन् जो मतलब अस्मिन् आत्मनि, ये सप्तमी विभक्ति के द्वारा अस्मिन् यदि सप्तम्य बोधात्म रूपम, बोध स्वरूप, बोधात्म मतलब बोध स्वरूप आत्मा को परामर्श दिया जाता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का अस्मिन् आत्मनि मतलब बोध स्वरूप आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा को परामर्श किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे अबाह्य मतलब बाह्य अभ्यंतर न अस्मिन् बाह्यम अभ्यंतरम, बाह्य मतलब क्या जाएगा, बाह्यम कार्यम अभ्यंतरम कारणम तच्च उभयम यह नास्ति, ये कार्य कारण भाव दोनों यहाँ पे नहीं है, दोनों ही यहाँ पे नहीं है, है ना। जब कार्य नहीं है मतलब जन्म नहीं है, इफेक्ट नहीं है, जन्म नहीं है, पर कहता है ये जन्म नहीं था वहाँ पे कार्य। अब दिखाते हैं कार्यात्मक जगत को सहारा ले करके कोई ना कोई कारण होगा, ये भी हम पहले बोलते हैं, फिर हम क्या करते हैं जो दिखाई दे रहे कार्यात्मक जगत नहीं है परंतु कोई एक कारण रूप में है जिसमें कारणता नहीं है, वो अधिष्ठान रूप आत्मा। इसलिए बोलते हैं कि अस्मिन् इति सप्तम्य बोध आत्म रूपम परामर्शत, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति के द्वारा बोध स्वरूप आत्मा को परामर्श किया जाता है। बाह्यम शब्द का अर्थ हो गया कार्यम, अभ्यंतर शब्द अर्थ कारणम, तच्च उभयम दोनों कार्य करण भाव अस्मिन् नास्ति, अस्मिन् आत्मनि नास्ति, उभयम इह इह मतलब क्या हो जाएगा, इह आत्मनि बोध आत्मनि इह बोध आत्मनि नास्ति। ततो जन्मादेर भाव विकारस न अत्र अवकाश संभवति, क्योंकि वहाँ पे कार्य कारण भाव है ही नहीं, फल वहाँ पे कह देगा जन्मादि भाव विकार चाहे थे अस्थि वर्धते विपरीत वैश्य प्रगत चाहे भाव विकार की कोई संभावना ही नहीं है, वहाँ पे कारण ही नहीं है, कार्य भी नहीं है। तो तस्मात मतलब इसका फल स्वरूप जन्मादि जन्म आदि है जिस भाव विकारों का, है ना, मतलब जाए थे अस्थि वर्धते विपिन अवक्षीय थे वो भाव विकार न अत्र अवकाश, इसका यहाँ पे जो है अवकाश ही नहीं है, अत्र अवकाश न अस्ति न संभव दे दिया। अब जो है अवतारितम विशेषणम सब प्रमाणम जो लेती, ये जो यहाँ पे अवतारण के रूप में भगवान भाष्यकार यहाँ पे दो विशेषण दिया, बाह्यम अभ्यंतरम, ये दोनों विशेषण को प्रमाण कहा, ये प्रामाणिक है कि नहीं, किंतु अप्रामाणिक ग्रंथ के मतलब कोई फलते नहीं है, अप्रामाणिक ग्रंथ से भी फल भी नहीं मिलता, प्रमाण के द्वारा पुष्ट होगा तब जाकर के, मतलब कोई मूल श्रुति अगर इसके बीच होगी तब जाकर के प्रमाण, क्योंकि यदि आपने ऐसा कोई सिद्धांत बनाया जिसके पीछे आपको कोई श्रुति नहीं मिलता तो वो मान्य नहीं होगा, वो प्रामाणिक नहीं होगा।
जो अवतारित विशेषण अवतरित विषम बाह्यम अभ्यंतर में विशेषण को सब प्रमाणम जो ले प्रमाण के साथ उसको अन्य करके दिखाते हैं स्वाह्य अभ्यंतर ही अजय विश्वते बाहर अभ्यंतर के साथ दिखा मतलब कार्यकरण रूप में दिखाई देने पर भी वास्तविक को जन्म रहे थे टीका में देखिए सर्व भाव विकार वर्जित समस्त भाव विकार से वो रही चाहिए इसका अभिप्रेत करते हैं। फिर आगे टीका में अजत्वात एव अनिद्रम कार्य अभावे कारणस्य प्रमाण अभावेन वक्तुम अशक्यत्वात् इति मत्वा आह अजत्वात एव जन्म नहीं है उसका मतलब क्या हो गया खरा उत्पन्न नहीं हुआ मतलब कार्य नहीं है मात्र जब कार्य नहीं है तो कारण कहाँ से होगा बोलते अजत्वाद एव अनिद्रम अनिद्रम मतलब क्या हो जाएगा अज्ञान नहीं है क्योंकि अज्ञान से जन्म दिखता है अज्ञान के कारण जन्म है अब जन्म नहीं है मतलब क्या हो गया कि वहां पे अनिद्रा मतलब अग्रहण तब तो अग्रहण नहीं है तब तो ग्रहण हो गया इसलिए अनिद्रम। अब यहाँ पे कार्य मतलब कार्य क्या हो गया जन्म जन्म अन्न ग्रहण तो वो जो है कार्य अभावे कारणस प्रमाण अभाव है ना जब कार्य नहीं है तो उसके लिए जो उसमें जो कारण था वो भी प्रमाण का दर्शन तो नहीं कर पाएंगे कारणस्य प्रमाण अभाव है ना वक्त अशक्त था वहाँ पे कारण था जगत के कारण है ये बोलना भी संभव नहीं है बड़ी यहाँ पे ना खूब आपको कंट्रडिक्शन लगेगा जब जब भी हमारे व्यासदेव जी ने वहाँ पे लिखा ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञास तो ब्रह्म क्या अवस्था क्या उत्तर दिया जन्म तस्य जत अरे क्या बोलता है जन्म आदि होना संभव ही नहीं है ये जो है लगेगा कि परंतु विरोध नहीं है वो केवल अध्यारोप प्रक्रिया को अपना करके व्यापक तत्व क्या है उसको ब्रह्म क्या उसको समझाने के लिए उपाधि के माध्यम से समझाया परंतु ये पारमार्थिक होना संभव नहीं वो तर्क बाद में जाके निर्णय करते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं अजत्वाद एव अनिद्रम कार्याभावे कारणस्य प्रमाण अभावे ना कार्य नहीं दिखाई पड़ते इसलिए कारण को प्रमाण का द्वारा सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसलिए कारणता उसमें नहीं है वक्तुम अशक्यत्व इति मत्वा इसको मन में रखते कहते हैं जस्मात जस्मात भाष्य में जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन जन्मादि के कारण रूप जन्मादि के कारण क्या है अज्ञान है ना जस्मात क्योंकि जन्मादि कारण रूप भूतम मतलब जन्मादि के लिए कारण रूप न जो वस्तु है न अस्मिन अविद्या कारणभूत क्या है अविद्या तम बीजम ठीक है ना जन्मादि कारण भूतम अविद्या तम बीजम ठीक है ना न अस्मिन विद्यते न अस्मिन विद्यते वही चीज को शब्द शब्द बोले निद्रा इसीलिए अनिद्रम जन्मादि कारण भूतम अविद्या तम बीजम निद्रा अस्मिन न विद्यते शब्द शब्दों में समझने के लिए क्या बोल रहे हैं अजस्मात क्योंकि जन्मादि कारण भूतम अविद्या तम बीजम निद्रा अस्मित न विद्यते इति अनिद्रम जन्मादि के कारण रूप जो अज्ञानात्मकतम जो बीज रूप है उसको हमने निद्रा शब्द के तहत तरह कहा वो निद्रा क्या है इस बोध स्वरूप आत्मा में निद्रा नहीं है इसलिए अजम अनिद्रम इसलिए इति अनिद्रम। अब जब निद्रा नहीं है अग्रहण तो अन्नतरण कहाँ से होगा अन्नतरण नहीं से बोलते हैं अनिद्रम ही क्योंकि अनिद्रा है तब तुरीय अपतुरीय अनिद्रा है अतएव अशक्न अजम अनिद्रम अशक्न जन्म रहित है मतलब अज्ञान नहीं है मतलब निद्रा नहीं है निद्रा नहीं है मतलब स्वप्न नहीं है एक दूसरे के लिए हेतु बनता जा स्वप्न ग्रहण स्वप्न नहीं है मतलब अग्रहण नहीं है तो फिर बोलते अग्रहण निद्रा नहीं है निद्रा नहीं है तो वहाँ पे कहा जाएगा अन्यथा ग्रहण नहीं होगा इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अनिद्रम ही तक तुरीय क्योंकि तुरीय में क्या होता है कि अज्ञान नहीं है बीज नहीं है इसीलिए कहते हैं अतएव अस्वप्न इसीलिए वहाँ पे अन्यथा ग्रहण भी नहीं है अग्रहण नहीं हो रहा है वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे अन्यथा ग्रहण भी नहीं होगा तथा तो तत्व हाँ समझ में आ गया इसलिए बोलते हैं एवं अस्वप्न। अब यहाँ पे फिर टीका में आ जाइए अनिद्रतम हेतु कृत्वा विशेषण अंतरम दर्शयति अनिद्रा को हेतु बना करके जो अन्न विषयन दिया अस्वप्न उसको जोड़ रहे हैं दिखाते हैं अनिद्रतम हेतु कृत्वा क्योंकि वहाँ पे निद्रा नहीं है इसीलिए की वजह को हम स्वप्न भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है इसलिए अनिद्रतम हेतु कृत्वा विशेषण अंतर विशेषण अंतर क्या है अस्वप्न अस्वप्न को दर्शयति अतएव अतएव
आता ये वह असपन, इसलिए वहां पे स्वप्न भी नहीं है। अच्छा, तो क्या हो गया? अग्रहण अन्नता ग्रहण संबंध वैधुरी वैधुर्य हेतु विशेषण द्वयम इति आह। देखिए आप क्या बोलते हैं कि अग्रहण और अन्नता ग्रहण, ये वैधुर्य विधुरता की जो भाव, वैधुर्य मतलब क्या है? विधुर, विधुर मतलब नहीं होना, और उसका जो भाव वैधुर्य विधुरता के तथित हुआ यहाँ पे वैधुर्यम। अग्रहण अन्नता ग्रहण संबंध वैधुर्यम, अग्रहण अन्नता ग्रहण दोनों के साथ संबंध से राहित्य, इसको हेतु बना करके, इसके हेतु बना करके विशेषण अद्वैत दो तरफ दो भीषण दिया, अजम अद्वैत, ये दोनों भीषण दिया। उसके पीछे हेतु क्या है? क्योंकि वहां पे जो है अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, फल तो अन्नता ग्रहण भी नहीं है, ये मैं मेरा भाव चला गया, फल तो क्या है कि वो जन्म रहित अपने स्वरूप को समझ जाता है, जो जन्म रहित है वही एक भेद प्रतीत करता है, जन्म होती गई तो जन्म की प्रतीति मतलब कोई वस्तु दूसरा दिखाई दे रहा है, ये अद्वैत तो नहीं रह जाता, इसलिए तो द्वैत हो जाता है। इसलिए बताएं यहाँ पे टीकाकार एक एक शब्द के पीछे कितना सुंदर क्यों हेतु बोला, अग्रहण अन्नता ग्रहण संबंध वैधुर्य विधुरता को हेतु बना करके हेतु देता विशेषण द्वय, दोनों विशेषण दोनों तरफ विशेषण है, अजम अद्वैत दोनों विशेषण है। जस्माच यहाँ पे एक भाष्य में एक लाइन है, तन निमित्तत्व अन्नता ग्रहण, मतलब अग्रहण निमित्तत्व अन्नता ग्रहण, ठीक है ना? अब अन्नता ग्रहण क्यों होता है? अग्रहण के कारण, अग्रहण निमित्तत्व अन्नता ग्रहण तस्मात् अनिद्रम अस्वप्नम, क्योंकि दोनों का हेतु बना दिया अभी, क्योंकि यहाँ पे निद्रा नहीं है मतलब अग्रहण नहीं है, स्वप्न नहीं है मतलब अन्नता ग्रहण नहीं है, मतलब यहाँ पे बीज और फल भाव नहीं है, इसलिए तस्मात् अजम अद्वैतम। इसे देखो दोनों भीषण दोनों तरफ है ना, एक तरफ अजम एक तरफ अद्वैतम, जन्म ही नहीं हुआ तो द्वैत कहाँ से आएगा? अकेला था व्यक्ति, पहले शादी किया दो हुआ फिर एक पद्धति, अब जन्म ही नहीं हुआ तो वह द्वैत कहाँ से आएगा? इसलिए अजम अद्वैतम, ये दोनों भीषण इसको हेतु बना करके, तस्मात् अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात् अजम अद्वितीयम, अजम अद्वैतम मतलब भेद रहित, जन्म रहित भेद रहित, जन्म होगा तो फिर उसमें स्वगत भेद ही आ जाता है, स्वगत भेद आ जाता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर का हाथ पैर सब आ जाता है, तद्वैत। इसी को बोलते हैं तुरीय आत्मान बुद्ध के अंदर, इस तुरीय शब्द को अपने स्वरूप रूप से उस समझ जाता है। हम देखिए आगे एक टीका में दसमा चाहिए दसमा चौनित्रम अस्वप्न दसम तत्व एवं लक्षण, ठीक है वो तुरीय तत्व ऐसा है, मान लिया आपने युक्ति के द्वारा शास्त्र का अर्थ समझा लिया, उससे मेरा क्या लाभ, मतलब मेरे को क्या मिला? आपने तो अभी तक पस्तुरियों को लेकर, तुरिया मतलब चतुर्थों को लेकर के बोल रहे, तो मुझे क्या मिला? तो बोलते हैं तत्व एवं लक्षण वस्तु, जिस तत्व को आप समझाना चाहते हैं वो ऐसा लक्षण वाला हो कोई बात नहीं। आत्मान की माया तो मुझे क्या मिला, जो आत्मान मतलब मम, ये जो टिप्पणी में बोल रहे ना आत्मान मतलब मम, एक नंबर टिप्पणी है वहाँ पे देखो, आत्मान की माया तो मेरे को क्या मिला, आत्मा ने की माया तभी आशंक बड़ा, जो कुछ मिलना है तुम्हें को तो मिलना है, बिगाड़ा तुमने तो बनाओगे तो तुम्हें, और कौन करेगा, फल भी मिलेगा तुमको, बिगाड़ा हमने क्यों, हमने द्वैत को मान्यता दी, और सब बनाना भी मेरे को ही पड़ेगा, उसका फल भी मुझे ही मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, और कोई है नहीं दूसरा, इसलिए किम आया तम इति आशंक आह तुरीयम, मतलब तुरीयम आत्मान बुद्धते तथा, अपने को तीन अवस्था से विलक्षण मैं हूँ, इस प्रकार अपने को तुरीय मतलब मैं चतुर्थ हूँ ये नहीं, ये तीन अवस्था से मैं विलक्षण हूँ, इस प्रकार अपने को समझ जाते आत्मान बुद्ध के तथा अपने को समझाना चाहते। ये तदा का मतलब क्या हो गया? तदा तदा करते हुए टीकाकार फिर लिख रहे हैं, तदा ऊपर भी आता तदा एवं प्रतिबुद्धते, तो तदा मतलब कब, तदा मतलब कदा, बोलते हैं विशिष्टे न आचार्य न, ठीक है ना, कोई विशेष आचार्य के द्वारा, विशिष्टम शिष्यम, शिष्य के शिष्य के अंदर भी विवेक वैराग्यम प्रति मोक्ष प्रति शिष्टम प्रति प्रतिबोध अवस्थाया प्रतिबोध, जिसमें बोध कराया जाता उस अवस्था में तदा वो अपने को किस रूप में समझते हैं, मैं असंग करता इस रूप से समझ जाता है, तदा विशिष्टेन आचार्येन विशिष्टम शिष्यं प्रतिबोधन अवस्थायां, तदा शब्द करते हैं ठीक है ना, मतलब उस समय इति अर्थ इसका भी होता है, ये वाला भी हो गया। अब एक और भी, अब बताइए रज्जु के ऊपर आपको सर्प दिखाई दे रहा है, ठीक है,
आप उस सर्प को मारने के लिए आपको लाठी चाहिए कि नहीं चाहिए? रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है, उस सर्प को मारने के लिए आपको लाठी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब जब उस लाठी को चलाएंगे सर्प को कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी वो लाठी? यदि वहां पे रज्जु के ऊपर सर्प पारमार्थिक होता था, उस सर्प को मारने के लिए लाठी उसको तोड़ना संभव था, परंतु है नहीं वहां पे। केवल मात्र बोध ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वहां पे, केवल बोध ही चाहिए। बड़ा सुंदर यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, भ्रांति से दिखाई दे रहा है जो वस्तु, वो वस्तु केवल मात्र कोई भी एक मिथ्या और अनित्य वस्तु में ये भिन्नता है, फंडामेंटल कंसेप्ट में ये भिन्नता है। अनित्य वस्तु, सभी वादी ने जगत को अनित्य माना, एकमात्र पूर्व मीमांसा दर्शन को छोड़कर तो सभी वादी ने जगत को अनित्य माना, परंतु अनित्य वस्तु का जो नाश होता है तो सर्वशेष नाश होता है। जब आप अनित्य व्यवहारिक सर्प को आप मारेंगे, पीटा, उसका मृतदेह पड़ा रहेगा, उसको जलाया, कुछ राग होगा, परंतु जो मिथ्या भ्रांति से जो दिखाई दे रहा है सर्प, उसका जब नाश होगा सर्प का कुछ भी नहीं रहेगा, केवल अधिष्ठान रज्जु ही रह जाएगा। ये मिथ्या और अनित्य वस्तु में भिन्नता है, मिथ्या और अनित्य वस्तु में भिन्नता है। तो शास्त्र दृष्टि से, वेदांतिक दृष्टि से इस जगत क्या है, मिथ्या माना गया है, मतलब निरावशेष नाश होता है, कुछ महत्व तो कहीं नहीं रहेगा, ये निरावशेष नाश होता है। तो बोलते हैं यदि प्रपंच को यदि हमारे पास सही होता, अब देखो जिस प्रकार जादूगर हमको कोई वस्तु दिखाते हैं, कोई वस्तु दिखाते हैं, वो क्या करता है हमारे दृष्टि को केवल मात्र मानते हैं, यदि कोई वस्तु वास्तविक रहा होता तब उसका हमको बाद में दिखाई पड़ता, परंतु सब कुछ नहीं है वहाँ पे, केवल मात्र जादू का जिधर जिधर बोलते हैं, देखो आप उधर ही देखते हैं तो वास्तविक चीज सब दूर रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अब बोल रहे हैं, देखिए कि तुल्य अद्वैतम इति उक्तम, है ना, कि जो तुल्य स्थिति है ये भेद रहित स्थिति है, ऐसा आपने कहा, क्योंकि आपने क्या बोला, अजम अद्वैतम, जन्म रहित अद्वैत रहित इति उक्तम, तब अयुक्तम, ये कहना आपका सही नहीं है। सभी व्यक्ति बोलेगा यह कहना आपका सही नहीं है, तुल्यम अद्वितीय अथवा अद्वैतम, ये जो आपने कहा, क्या बोला, अजम अनित्यम अस्वप्नम अद्वैतम, अजम और अद्वैतम को दोनों तरफ रखा, अस्वप्नम अनित्यम को हेतु बना दिया, ये जो आपने कहा ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तद अयुक्तम, क्यों, प्रपंच से द्वितीय से सत्व प्रपंच दिखाई, मैं असंग हूँ, व्यापक हूँ, ठीक है, प्रपंच दिखाई पड़ता है, तो आपका ये कथन सही नहीं, आपके कथन सही होते हैं, तुल्यम अद्वैतम इति उक्तम तद अयुक्त, अकस्मात प्रपंच से द्वितीय से सत्वाद भेदात्मक प्रपंच को विद्यमान रहने के कारण असंग शंका है, उसके उत्तर बोलते हैं, अरे भाई ये यदि प्रपंच वास्तविक होता तब तो मिट जाता, वो दिखाई क्यों पड़ता है, क्योंकि ये प्रातिभाषिक वस्तु है, प्रतीति होती है। आपको जो मरुभूमि में आपको बालू में पानी की भ्रांति हुई, ठीक है ना, बालू में पानी की भ्रांति हुई, तो आपने पहले वहां दौड़ रहे थे, किसने समझाया, आपने जाकर के देख लो वहां पानी नहीं है, हो गया। परंतु यदि वहां पे पानी होता तब आप उसको खाली कर सकते थे, परंतु वहां पे प्रतिभास मात्र है, चाक्षिकता मात्र है, परंतु पानी वहां पे नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं श्लोक में, देखिए, प्रपंचो यदि विद्येत, प्रपंचो यदि विद्येत, निवर्तेत न संशयः, निवर्तेत न संशयः, माया मात्रमिदं द्वैत, माया मात्रमिदं द्वैत, अद्वैतं परमार्थतः, अद्वैतं परमार्थतः, प्रपंचो यदि विद्येत, निवर्तेत न संशयः, माया मात्रमिदं द्वैतम्, अद्वैतं परमार्थतः। प्रपंच यदि वास्तविक वहां पे रहा होता तब जरूर उसको आपने नाश, मतलब उसको निकल जाता, किसी ना किसी माध्यम से उसका हटा सकते थे, दबा सकते थे, चलो नहीं देखूंगा इसको, है नहीं वस्तु, उसका अस्तित्व नहीं, तो हटाओगे कहां से, किसको हटाओगे, रज्जु को ऊपर जिस स्वर्ग होगा तब उसको अलग करके आप देख सकते। क्यों बोल रहे हैं, आपने क्या कहा, तुरियो में भेद नहीं है, तुरियो भेद रहित है, ये जो आपने कहा, तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प को कभी आप रज्जु से अलग करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं?
रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को आप कभी भी रज्जु से अलग करके नहीं देख सकते। यदि देख सकते हैं तब तो रज्जु और सर्प द्वैत होकर भेद होता, तब तो भेद होता। आपने क्या कहा कि आज तुल्य आपका क्या था अद्वैत है, तुल्य में कोई भेद नहीं है, हमें तो सामने प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, भेद नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? हमारा उत्तर यही है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को, यदि आप रज्जु से अलग करके कभी देख सकते हैं तब तो हम वहाँ पे द्वैत मानेंगे, वो तो रज्जु उस रूप में दिखाई दे रही, तो द्वैत कहाँ से आया? इस लोग को समझने के लिए थोड़ा सा विचार करना, प्रपंच यदि विद्यता निवर्त तो न संशय, यदि रज्जु से अलग करके सर्प को दिखाई देता तो हम उस सर्प को उठा करके अपने जो कमरे बंद कर दो, अलग हो गया आपने, है तो यहाँ तो है नहीं ऐसा, तो कैसे अलग करोगे, कैसा अलग कर प्रपंच यदि विद्यता निवर्त तो न संशय, यदि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प कोई रज्जु अधिष्ठान से कोई भिन्न तत्व होता तो उसको जरूर आप अलग करके रख सकते हैं, है नहीं केवल मतलब कल्पना है, मन में है, रज्जु सामने दिमाग में बैठा हुआ सर, ये दिमाग में जो बैठा हुआ उसी को निकालना है बस, और कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, इसे यदि वहाँ पे होता था आप निकाल नहीं सकते, उसको अलग कर हटा देते, प्रपंच यदि विद्य तो निवर्त तो न संशय, दिखाई क्यों पड़ता है माया मात्र, है ना, बस केवल माई प्रतीति मात्र है, माया मात्र मात्र बोला कुछ नहीं है वहाँ पे, अधिष्ठान की अज्ञान मात्र है, अधिष्ठान की अज्ञान मात्र ही है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, मात्र शब्द मतलब एव माया ही है, मतलब अधिष्ठान की अज्ञान है, इदम द्वैतम जो हम उसके रूप में दिखाई पड़ता है, अद्वैतम परमार्थ पारमार्थिक अधिष्ठान शक्ति है, पारमार्थिक अधिष्ठान शक्ति, यदि प्रपंच असही होता तो निवृत्ति होती हो ही नहीं सकती, अगर मतलब अगर प्रपंच यदि बीत देते यदि वहाँ पे कोई सर्प रहा होता तब वो सर्प को आप हटा सकते थे, पर तो हमें तो सर्प है नहीं, हटा हुए कहाँ से, तो दोनों बात एक ही जैसे नहीं हो गया क्या, बस ऐसा होना चाहिए प्रपंच यदि बीत देता निवर्ते ना ना निवर्ते तो न संशय हो, यदि वहाँ पे अलग करके रज्जु से अलग करके कुछ दिन वहाँ पे शंका क्या उठाया, आपने कहा जो तुल्य है वो अद्वैत है भेद रहित है, हमें तो प्रपंच दिखाई पड़ता तो भेद रहित कहाँ हुआ, तब उत्तर क्या बोलते हैं, यदि रज्जु से भिन्न करके सर्प कहीं दिखाई देता आपको मतलब आपको आपको अलग कर सकते तब तो उसको अलग कर सकते थे, हटा सकते थे, तोड़ सकते थे, मार सकते कुछ भी कर सकते है नहीं कहाँ से, प्रपंच यदि विद्य रज्जु के ऊपर सर्प नामक यदि कोई वस्तु पारमार्थिक होता जैसे टेबल के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, यदि ऐसा भेद कोई वस्तु होता तो मोबाइल को फेंक दो हो गया आपका शांति, और तो ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि अधिष्ठान भी देखे उस रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्यों दिखाई पड़ रहा तो माया मात्र, तो माया का कारण ही प्रतीति मात्र होती है, माया मतलब क्या केवल मात्र अधिष्ठान की आज्ञा, उसको ठीक से देखो तब आपको द्वैत नहीं दिखा, अद्वैत नहीं मतलब द्वैत भावी दिखाएगा भेद नहीं दिखाई देगा, इसलिए बताए इधर इधम द्वैत माया मात्र इधम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ ठीक जगह समझना है, कितना मात्र शंका उठाया कि आपने बोला तुरीय अद्वैत है, ज्ञान के बाद भी प्रपंच दिखाई पड़ते हैं, तो सिद्धांत पक्ष बोलते हैं भाई यदि प्रपंच इस प्रकार रज्जु से भिन्न करके सर्प यदि कोई अलग तत्व होता है तो उस सर्प उठा करके अलग करके मारना, मतलब यदि इस प्रकार हमारे तुरीय से भिन्न करके कभी भी ये सत्ता दिखाई नहीं दे सकते, केवल इसलिए प्रकृति मात्र है, इसका अलग कोई सत्ता ही नहीं है, फर्क इसको हटाना भी संभव, क्योंकि अकेला एक दो कोई विरल ज्ञानी होते हैं और अज्ञानी सब होते हैं अधिकतर, तो उनकी प्रतिभास में रहेगा, उनकी प्रतिभास में रहेगा दूसरा बोलेगा, अब ज्ञानी कल कल इसी में कल बोल रहा था, ज्ञानी के लिए ज्ञानी पुरुष के लिए सबसे बड़ा एक मतलब हंसी की बात होता है, मजाक की बात होती है, व्यवहार भी करते हैं अपने आप ही अपने व्यवहार से हंसते भी हैं, ये कैसे लोग ये प्रारंभ जी बल बढ़ता है और कुछ नहीं कुछ ऐसे माया मात्र मितम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ, यहाँ पे देखिए टीका भाष्यकार क्या बोलते हैं, प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुद्धते अनिवृत्त्य प्रपंच कथम अद्वैतम, यदि आप कहते हो क्योंकि सभी आप ये ब्रह्मसूत्र भी उठाया कि आप बोलते दृष्टांत दृष्टांत में क्या भेद होते हैं, क्या भेद है दृष्टांत में, आप रज्जु सर्प दृष्टांत देते हो, शुक्ति का रजत दृष्टांत देते हो, आप शुक्ति का को हाथ में ले लिया आपको फिर रजत नहीं दिखाई देगा, अभी भी नहीं दिखाई देगा, रज्जु को ज्ञान हो गया आपको सर्प नहीं दिखाई देगा, परंतु अधिष्ठान तक आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर भी ज्ञानी पुरुष दो तरह से व्यवहार करते हैं, स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, तो दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता है, तो आप कैसे बोल रहे हो अद्वैत हो, तब हम बोलते हैं ये सारा दृष्टांत को छोड़ करके तुम मरुभूमि में मरीचिका को देखो,
मरुभूमि में जब पानी दिखाई पड़ गया चाक्षिक कथा के कारण, वहाँ पे क्या है आपको कोई समझा दिया कि वहाँ पे पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा, दूसरा दिन सुबह भी आपको कुछ प्रकार के चाक्षिक कथा दिखाई सकते सूर्योदय में, परंतु क्या निश्चय रहेगा यहाँ पे पानी नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा निश्चय। ठीक ऐसे ही हो सकता है, मतलब ज्ञान होने के बाद आपको प्रपंच की प्रतीति हो क्योंकि है वहाँ पर, तो क्या निश्चय रहेगा प्रपंच नहीं है, ये प्रपंच नहीं है केवल भ्रांति मात्र पहले प्रतीति हो रहा था, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। कई जगह को दृष्टांत देकर कुम्हार के चक्र को लेकर के बोला कुम्हार घर बनाने के लिए डंडा से चक्र को घुमाया, घुमा दिया तो घर भी बना दिया, परंतु जब तक डंडा से जो घुमाया उसका जो आपका वेग संवेग होता है वो तब तक रहता है जब तक पूरा न खर्चा होता है। पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, पंखे का स्विच आपने ऑफ कर दिया तो उस देर तक फिर भी घूमते रहते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहती देता। ठीक इसी प्रकार एक प्रारब्ध का वेग होता है, एक प्रारब्ध के वेग के कारण ऐसा भी हो सकता है, काल जैसे बोल रहे थे आधिकारिक पुरुष जैसा था, एक ही प्रारब्ध से कई शरीर प्रतीति हो सकती है, कई शरीर की प्रतीति ध्यान देना, कई शरीर की प्रतीति हो सकती है परंतु पारमार्थी हो नहीं, पारमार्थी नहीं। इस सिद्धांत को पक्का करने के लिए बहुत मतलब समर्थना की प्रतीति होने पर भी वहाँ पे वस्तु नहीं है, प्रतीति प्रतिभाष मात्र ही है, प्रपंच यदि विद्यत निवर्त्य तो न संशय माया मात्र विदम द्वैतम, ये शंका उठाया पे अद्वैतम परमार्थ प्रपंच निवृत्त चेत प्रतिबुद्ध थे, प्रपंच की निवृत्ति के द्वारा ही यदि ज्ञान होता है, अनिवृत्त प्रपंच जब प्रपंच निवृत्ति नहीं होता कथम अद्वैतम सिद्ध, अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, तो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, सभी व्यक्ति का मन में यही भावना होता है कि कथम अद्वैतम, यदि उसको निवृत्त उच्चते सुनो क्या बात है सत्यम एवं। आप बोलते हैं बोलो प्रपंच को पारमार्थिक मानते हो कि प्रतिभाषिक मानते हो, यदि पारमार्थिक मानते हो तो कभी नहीं जाएगा, ये बात सही है सत्यम एवं, यदि प्रतिभाषिक मानते हो तो प्रतीति मात्र है पारमार्थिक नहीं है। सत्यम एवं शायद प्रपंच यदि विद्य, यदि प्रपंच पारमार्थिक हुई होती तब आपको आपका कहना सही होता, वो तो है ही नहीं वहाँ पे, उसको आप अलग भी नहीं कर सकते मिला भी नहीं सकते, ये चीज़ सबसे बड़ी कठिनाई होता है समझने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए कठिन होते हैं। निवृत्त हो जाता ना संशय, प्रपंच यदि रहता तो निश्चित इसकी निवृत्ति होती, विषय में कोई शंका नहीं है, नहीं वो वेदांत तो विचार के द्वारा ही तो जाएगा, वो विचार के द्वारा ही तो जाएगा क्योंकि प्रतीति तो हो रहा है, जो व्यक्ति भ्रांति से दिखाई दे रहा है तभी तो गुरु शिष्यों को संबंध इसका आवश्यकता है, इसके द्वारा जब ज्ञान होगा तब क्या होगा कि तब प्रपंच में सत्यत्व तो बुद्धि नहीं होगी, अच्छी चाहिए हम लोग बोलते हैं कि अगर प्रपंच वास्तविक होता तो कभी जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, प्रपंच यदि वास्तविक होता तब तो कभी नहीं जाएगा, नहीं हो सकती वैसा मतलब बोलना चाहिए था ना, ना, ना आप अपनी तरफ से नहीं सोचना, जो बोला उसको समझने का कोशिश करो, नहीं तो उल्टी जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि रज्जु के ऊपर सर्प यदि होता तब आप निश्चित ही कोई अलग वस्तु होता तब निश्चित आप उसको अलग कर सकते थे, परंतु ऐसा कोई नहीं है प्रतिभा उसको निरोध करने के लिए, रज्जु के ऊपर मैं दृष्टांत तो क्या दिया था आपको क्या दिया कि यदि यहाँ पे जैसे टेबिल के ऊपर एक वस्तु रखा हुआ यदि अलग करके ऐसा कोई वस्तु गई तो रूप में नहीं होती तब उसको तो आप मिटा सकते थे, परंतु ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, परंतु क्या है कि बस केवल प्रतिभाष मात्र है अद्वैतम परमात्म। ठीक है इसको कल करेंगे, लास्ट वाला यत् प्रज्ञालोका भाषा प्रतीयति अगमत शांतस्त मोहांधकारो मज्जोर्मज्जच्च घोरे अशक्वित उपजनो लंबते त्रासनेमे, यह जादू से खोल के पढ़ता न ते जब अशक्वित उपजनो लंबते त्रासनेमे, अशक्वित उपजन उदनवती बर्बरता सागर त्राशने में मेरे डरा गए जो जिसके कृपा से मिल जाता है, मज्जो उन्मज्जच घोरे बार बार मैं डूब रहा था ऊपर नीचे हो रहा था अशक्त एक बार नहीं बार बार उपजन उदनवती त्राशने में जो समुद्र में संसार सागर में उससे रक्षा करने वाला जो मेरे को मेरे गुरु जी यत्पादो अष्टितानं श्रुति सम विनय प्राप्तिरग्राही अमोघा तत्पादौ उपावनीयौ भव भय विनदौ
सर्वभावैर्नमस्ते।